हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर डीराज राव, टीम केमिस्ट्री सीएनसी सीकर। मैं माइनर टेस्ट पेपर जो है टीएस वाला, उसके अंदर इनऑर्गेनिक का जो पार्ट होता है उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। डीएफ ब्लॉक, मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखें हम सबसे पहले। विच ऑफ फॉलोइंग द हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, देखो आपने पढ़े हाइड्राइड तीन टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन लोन पेयर होता है इनमें, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये आपके पास जो है CH4 कैसा है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। और इसमें 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लोन पेयर नहीं होना चाहिए। जैसे लोन पेयर होता है, जैसे अभी आपके पास ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये जो आपके पास है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन डेपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। मतलब हाइड्रोजन जो H2 ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। देखो ऑक्सीडाइजेशन स्टेटस में कितनी है, +7, +2 में जा रही है। इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। फिर Fe+2 जा रहा है, यहां पर इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। फिर यहां पर I- जा रहा है I2 में, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर +5 जा रहा है, +7 जा रहा है +5 में, तो इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप ये देख सकते हो कि जो थर्ड है उसमें I- किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, I- कन्वर्ट हो रहा है I2 के अंदर। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब दूसरा ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग हो गया। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन फ्रॉम द सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस होता है हमारे पास CO+H2 का मिक्सचर, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है CO और H2 का जो है प्रोडक्शन किस में बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा देती है, तो इसमें क्या कैटलिस्ट मिलाते हैं। पर्टिकुलर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 673 केल्विन के ऊपर अपन कैटलिस्ट मिलाते हैं और CO+H2 के अंदर जब हम मिलाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा हमारा। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं। हाँ तो बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49। देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग कमोडिटी इज यूज्ड फॉर द वाटर सॉफ्टनिंग। तो मैंने कहा वाटर में जो से कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, कैटायन के रूप में, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड, ठीक है ना, ये आपके पास पाए जाते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन होते हैं, इसके कारण पानी में कठोरता होती है। तो इसके लिए अपन है ना वेल पॉपुलर कंपाउंड है Na6P6O18, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट ये काम में लेते हैं। इसका कमर्शियल नेम केलोगन है, केलोगन कमर्शियल नेम है इसका, केलोगन बोलते हैं इसको, केलोगन। तो अब इसमें देखो रिएक्शन कैसे कराते हैं, जब इसको अपन आयनाइज करते हैं ना, तो आयनाइज कैसे करते हैं कि यहां पर
ये आयनाइज होता है, ऐसे Na प्लस दो निकल जाएंगे, फिर Na कितने बच गए, चार, P6O18 और -2। अब ये दो सोडियम निकल गए, इसके बदले में कोई मेटल आ जाएगी आपके पास, उसमें कैल्शियम आ सकता है या फिर मैग्नीशियम आ सकता है, और वाटर क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। जैसे पानी में परमानेंट कठोरता जो होती है उसको दूर करने का ये मेथड होता है। टेम्परेरी तो जैसे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह मिलाते हैं, तो ये थर्ड आंसर इज करेक्ट। तो इसमें बच्चों देखो मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास है भी, जैसे अपने पास ये यूजेज के क्वेश्चन है इस तरह से, हाइड्रोजन परोक्साइड का उपयोग क्या होता है, हाइड्रोजन परोक्साइड पर हाइड्रोल के रूप में काम में आता है ये। केलोगन मैंने अभी बताया था, हेक्सामेटाफॉस्फेट को बोलते हैं, ठीक है, और प्रोपेलेंट जो होता है हाइड्रोजन परोक्साइड को प्रोपेलेंट के फॉर्म में भी अपन यूज करते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द हार्ड वाटर रिमूव करते हैं अपन जियोलाइट से भी करते हैं और हेक्सामेटाफॉस्फेट से भी करते हैं। तो हमारे पास देखिए इसके अकॉर्डिंग अपन जाते हैं, तो फर्स्ट जैसे मैच करें अपन बी और डी, मतलब जैसे हमारे पास पर हाइड्रोल मैंने बताया और डी इसका है प्रोपेलेंट भी होता है, बी और डी दोनों यूज होते हैं इसके, और सी में आपके पास हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज हो रहा है, सी सेकेंड में सी आर आपके पास सेकेंड में सी आर है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो ये यूज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो आपको याद करना ही है इसमें। डाई हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन विभिन्न विद्युत धारा के जस्ता हाइड्रोकार्बन भाप की क्रिया से बने CuH2 के मिश्रण को कहते हैं। तो बच्चों इसमें आपको बताया CO प्लस H2 जो होता है इसको वाटर गैस भी बोलते हैं और सिन गैस भी कहते हैं। इसमें सिन गैस और वाटर गैस प्रोड्यूसर तो अपन क्या बोलते हैं N2 आता है, CO प्लस N2 को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो ये याद करने वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिन गैस जो है CO प्लस N2 को बोल रहे हैं, तो इसमें सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन याद करना आपको। देखिए विच ऑफ फॉलोइंग ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय द फ्लोथ फ्लोटेशन, फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड यूज फॉर ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स, मेटलर्जी का क्वेश्चन है ये। तो गैलेना जो होता है बच्चों पीबीएस होता है, पीबीएस इसको गैलेना बोलते हैं, सल्फाइड ओर के लिए यही सुटेबल आंसर हुआ। हेमेटाइट आयरन का हो गया आपके पास, मैग्नेटाइट और एक मैग्नेसाइट होता है, दो होता है, एक मैग्नीशियम का होता है एक आयरन का होता है, ठीक है, Fe2O3 होता है एक Fe3O4 होता है। तो यहाँ हमारे पास सल्फाइड ऐसे में केवल सेकेंड आंसर जाएगा। अब इसमें हमारे पास पूछ रहा है असत्य कथन क्या है, मतलब आपको बस इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो ये मेटेलिक हाइड्राइड आर डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन ये तो सही बात है, मेटेलिक हाइड्राइड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट, मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, ठीक है, इनको अपन इंटरस्टिटियल हाइड्राइड भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन की कमी होती है, न्यूनता होती है उनमें, और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। आयनिक हाइड्राइड नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉलिड स्टेट, ये भी सही बात है, लेकिन बोले आयनिक हाइड्राइड आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द सॉलिड स्टेट, ये इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट पूछा ये, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा चक्कर पड़ जाता है। तो हमारा आंसर फोर्थ इज करेक्ट, एनसीईआरटी से बिल्कुल लाइन टू लाइन बनाया गया क्वेश्चन है। फिफ्टी फोर में अपने को मैच द कॉलम का क्वेश्चन दिया है, याद करने वाला क्वेश्चन जैसे थ्योरेटिकल सा, कलर्ड बैंड क्रोमेटोग्राफी में बनते हैं बच्चों, इम्प्योर मेटल टू वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स ये मोंड प्रोसेस में बनता है, जैसे निकल क्या करता है, निकल CO के साथ रिएक्शन कर लेता है और निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4 बनता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर अपन इसको क्या करते हैं हीट करते हैं, फिर वापस निकल शुद्ध मिल जाता है आपको, फिर CO निकल जाता है बाहर, तो ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है आपका। इसमें प्योरिफिकेशन जर्मेनिंग जोन रिफाइनिंग मेथड यूज करते हैं अपन, और प्योरिफिकेशन मर्करी के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो ए में कलर्ड बैंड आपके पास ए में आ जाएगा आपका, ए में फोर्थ
देखिए ए में फोर्थ आपका आ रहा है वो सेकंड आंसर इज करेक्ट, बी में थर्ड आपका आ जाएगा, बी में थर्ड आपका आ रहा है, तो ये एक ऑप्शन सी पता चल रहा है मैच द कॉलम। नेक्स्ट चलते हैं अपन, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर फॉस्फेट फर्टिलाइजर वाटर में जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूट्रोफिकेशन करते हैं, मीथेन एयर में क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, सिंथेटिक डिटर्जेंट वाटर में क्या करते हैं, बीओडी लेवल को बढ़ा देते हैं, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक रेन का कोज होते हैं, तो देखिए फोर्थ में बी बन रहा है आपका, फोर्थ में बी बन रहा है, फोर्थ में बी देखिए ये आपके पास दो ऑप्शन में से आ रहा है, तो अब इनमें से देख लीजिए ये दोनों ए है ये दोनों सी है, यहाँ पर आपका मैच बनेगा। तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर का यूज़ आपके पास यूट्रोफिकेशन डी भी होता है और ये बीओडी लेवल का लेवल भी बढ़ाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फॉस्फेट कंटेनिंग द फर्टिलाइजर कोजेज द वाटर पोल्यूशन ऑफ द सच कंपाउंड द वाटर बॉडीज कोजेज, मतलब फॉस्फेट युक्त उर्वरक जल प्रदूषण होता है जलाशय में ऐसे यौगिक मिलाने से क्या होता है, वाटर बॉडीज कोजेज एक्सट्रक्शन स्टोरेज ऑफ लाल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर देखिए जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है आपकी, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, तो सेकेंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 57 क्वेश्चन, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग में बी, ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय ताप में वृद्धि में कौन से परिणाम हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट का मतलब आपको पता है क्या कि अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है धीरे धीरे तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये पूछ रहा है क्या इफेक्ट है इसमें से बनता है, तो हिमालय में जो है ना मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियरीज, हिमालय में हिमनदों का पिघलना कौन से परिणाम हो सकते हैं, इससे पानी पानी हो जाएगा अर्थ के ऊपर, औसत ताप में कमी नहीं होती बढ़ता है काम, ऑक्सीजन का मांग बढ़ना ये इससे कोई मतलब नहीं है, यूट्रोफिकेशन ये भी नहीं है, तो नदियों का पिघलना हो सकता है इसका कारण। विच ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, देखिए बच्चों सेकेंडरी पोल्यूटेंट का पूछ रहा है, जैसे डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कार्बन से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन है एनओ है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तो ये आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं अपन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक के बारे में पूछ रहा है, सत्य नहीं है, इट मीन्स द कंपोनेंट प्रोड्यूस द एक्शन ऑफ द सनलाइट ऑन द एमिशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस इन द कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सही है, कंटेन द रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, कंटेन द स्मोक फोग एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हमारे पास मोटर गाड़ी उद्योग में उत्सर्जन पर प्रकाश डालने पर बनता है, ये गलत करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारा फर्स्ट आंसर जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक का आपको बच्चों ड्यूरिंग द हॉट ड्राई एंड सनी वेदर, तो ये फोटोकेमिकल स्मोक का कौन सा पार्ट नहीं पूछ रहा आपको, तो ये सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपको, सेम आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो ज़्यादातर पढ़ते हो, तो SO2 जो होता है फोटोकेमिकल स्मोक में नहीं होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है O3 है NO है ये इसके पार्ट होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर थर्ड इज करेक्ट। देखिए बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ये 5 PPM से क्या है आपके पास कम आ रही है, इसका मतलब है कि रिच इन डिजोल्व ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन घुली हुई है, तो फर्स्ट आंसर आएगा। और जो बीओडी लेवल जैसे मान लो 17-17 ज्यादा आ जाता है तो हाईली पॉल्यूटेड वाटर होता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण पानी में होता है, तो इसमें थर्ड आंसर हो जाता है, लेकिन ये फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपन, Identify the configuration of transition element which show the highest magnetic moment. Highest magnetic moment मतलब म्यू पूछ रहा है ये, म्यू आपको पता है अंडर रूट
एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन होता है, और म्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे जिसमें ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट हाई होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए 3D5 में डायरेक्ट सीधा दिख रहा है आपको, बिल्कुल डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो द बिलोंग टू द एक्टिनोइड, एक्टिनोइड पूछ रहे बच्चों। एक है लेंथेनोइड होता है, एक होता है एक्टिनोइड। तो आपको पता है यूरेनियम, नेपच्यूनियम, फर्मियम, ये TM नहीं होता है इसका, इस मेंबर का नहीं है। याद ही आपको थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, तो ट्रिक आपको याद है तो आप इजी गोइंग बता सकते हो। तो ये थर्ड आंसर हमारा जो है रहेगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द गैडोलिनियम। देखो बच्चों गैडोलिनियम होता है 63, तो इसमें हमारे पास देखिए ये 54 आ गया, ये आ गया 54, ये n प्लस l रूल का एक्सेप्शन भी है हमारे पास। तो 54 में देखिए मिला दीजिए, ये आपके पास हो गए 7 और एक 8, और 8 और ये 2 हो गए 10, तो ये 64 हो गए। सॉरी मैंने क्या लिखा, 64 रहेगा इसका गैडोलिनियम 64। अब इसमें क्या होता है, ये n प्लस l रूल का एक्सेप्शन होता है, n प्लस l रूल का एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन अब आपके पास जाना चाहिए डी में था, डी से आपके पास चला गया एफ के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डी में आपके पास 6 आ रहे थे स्टेबिलिटी के कारण। तो ये एन प्लस एल का एक्सेप्शन भी है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट। गैडोलिनियम जो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें एटोमिक नंबर इसका 64 है, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक कर लेंगे। 54 प्लस ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 10 और 64 हो गया, और ये n प्लस l रूल का एक्सेप्शन भी है, यानी यहां हमारे पास d7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी आती है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड। तो ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है आपको, कंपेयर करना है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द कंपैरिजन द प्योर मेटल्स, ये सही है। इसके बाद दे आर वेरी हार्ड, ये हार्ड भी होते हैं, मेटलिक कंडक्टिविटी इनकी वही रहती है, और इसके बाद में दे आर केमिकली रिएक्टिव नहीं होते, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो ये फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है 66, इसमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन है बच्चों। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की उपस्थिति में ये कैटलिस्ट की क्वेश्चन है, मतलब जैसे डी ब्लॉक में हमारे पास कैटलिस्ट के नाम याद कर, निकल में आपका वनस्पति घी में निकल ये आ जाता है पहले का, तीसरा आ जाएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपके पास V2O5 आ जाता है, देखो थर्ड में ये आ जाएगा आपका, देखो फर्स्ट में आपके पास आ रहा है सी, और थर्ड में सेकंड में आ रहा है आपके पास, थर्ड में आ रहा है बी, ठीक है, और ये एक हार्बर प्रोसेस आ रहा है टाइटेनियम, ये वाला जो आपके पास आ रहा है ये आपके आ जाए जिगलर नाटा। फिफ्थ के अंदर आपके पास आ रहा है ए, तो फिफ्थ में देखो ए आ रहा है, ये सी का आ रहा है, और फोर्थ में आपके पास ई आ रहा है, फोर्थ में ई आ रहा है, मतलब फोर्थ आपका सूक्ष्म विभाजित आयरन केशियल थ्री का अपघटन नहीं, ये हाबर प्रोसेस, सॉरी हाज आयरन में हाबर प्रोसेस आता है, अमोनिया फॉर्मेशन हाबर प्रोसेस। और थर्ड में बी आ रहा है आपका V2O5 संपर्क विधि, करेक्ट है ये, और सेकंड में डी आ रहा है Cu2Cl सेंडमर अभिक्रिया में Cu2Cl2 काम आता है आपका। तो ये फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो ये तो मैच द कॉलम को मतलब कैटलिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए NCERT के अकॉर्डिंग, तो ध्यान में आप आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
इसमें देखिए परावर्तनी भट्टी में कॉपर से को सिलिका के साथ मिलाने में मैट बनता है, तो कॉपर मैट अपन बोलते हैं ना जिसको, इसमें क्या है कॉपर मैट बोल रहे हैं। तो इसमें Cu2S और प्लस FeS का मिक्सचर होता है, Cu2S प्लस FeS का मिक्सचर होता है कॉपर मैट ही बोलते हैं। तो सल्फाइड ऑफ द कॉपर फर्स्ट एंड आयरन सेकेंड, ये पूछा है आपको। तो ये हमारा कॉपर मैटी मेटलर्जी का क्वेश्चन है, कॉपर की मेटलर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये बच्चों हमारे जो है क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट आपका। होप करता हूँ ये क्वेश्चन मतलब अच्छे हुए होंगे, वैसे इजी है, NCERT बेस्ड पेपर है पूरा, फिर भी कई बार थोड़ा बहुत हो जाता है, तो आप उसको और इम्प्रूव करिए अगले टेस्ट में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ ओम प्रकाश रन फ्रॉम टीम सेल्सी। तो बच्चों, जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो डीजे सर ने सोल्व करा दिया, मैं फिजिकल का पोर्शन सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 8.2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, वेट 9.0 ग्राम एट 300 केल्विन एंड 1 ATM प्रेशर, द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। तो देखो, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू NRT, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, उसको क्या लिखूंगा, वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट इंटू आर इंटू टी। तो देखो, इसके अंदर प्रेशर कितना दे रखा है आपको, 1 ATM दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 8.2 लीटर दे रखा है, वेट इसका कितना दे रखा है, 9.0 ग्राम दे रखा है, और इसका मोलिकुलर वेट आपको कैलकुलेट करना है, और आर, आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। और तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप हमेशा 1/12 पुट करना हो रहा है, तो इसको क्या पुट करोगे, 1/12, 12 से 300 को आप कैंसिल आउट करोगे, तो ये कितनी बार गया, 25 टाइम्स गया, और ठीक है। अब आपको मोलिकुलर वेट निकालना है, तो 9 × 25 अपॉन कितना आएगा, 8.2 आएगा, ठीक है। 9 और 8.2 अप्रोक्सीमेटली आप कैंसिल आउट करोगे, तो 25 × 27 इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेट ऑफ कंडीशन रिप्रेजेंट इजिएस्ट वे टू लिक्विफाई ए गैस, यानी एक गैस को लिक्विफाई करना है, तो गैस को लिक्विफाई कैसे करोगी, आप उस पर प्रेशर इंक्रीज करोगे और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर क्या है, फेवरेबल कंडीशन है किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, हो रहे ताकि गैस के मोलिकुल्स पास पास आएंगे तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना। तो इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेथेन गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस एक्स, द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स, यानी कि गैस एक्स क्या है उसका मोलिकुलर वेट आपको कैलकुलेट करना है। तो मेथेन गैस है CH4, इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन है आर। तो देखो, आपको दे रखा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेथेन गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस एक्स, ये 2 टाइम्स है गैस एक्स की रेट ऑफ डिफ्यूजन के, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल 1/मोलर मास। तो आर सी एच फोर अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एम सी एच फोर, मोलिकुलर वेट और रेट ऑफ डिफ्यूजन एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सी एच फोर का मोलर मास कितना हो जाएगा, 16, और एक्स का मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेथेन 2 टाइम्स है किसकी, रेट ऑफ एक्स की, तो 2 RX अपॉन RX, आर एक्स से आर एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब इसको सोल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 बराबर क्या हो गया, mx/16। तो mx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 × 4 कितना हो गया, 64 ग्राम पर मोल उस गैस का मोलर मास आ जाएगा। इट मीन्स वो गैस कौन सी होती है, किस गैस का मोलर मास 64 है, SO2 गैस का। अगर ऑप्शन में कंपाउंड आता तो कौन सी गैस होती, SO2 गैस होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि आपको क्या पूछ रखा है,
द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एल्फा एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, वी एम पी रेशियो, वी एवरेज रेशियो, वी आर एम एस, इनका रेशियो पूछा है। तो वी एम पी क्या होती है, रूट टू आर टी अपॉन एम। वी एवरेज क्या होगी, रूट एट आर टी अपॉन पाई एम। और वी आर एम एस क्या होगा, रूट थ्री आर टी अपॉन एम। तो इनका रेशियो क्या होगा, तो आर टी अपॉन एम से आर टी अपॉन एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट टू रेशियो रूट एट अपॉन पाई रेशियो रूट थ्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 72। इन वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द गैस द कांस्टेंट बी, कांस्टेंट बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इंटरमोलिकुलर रिपल्सन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन तो गैस कांस्टेंट ए रिप्रेजेंट करता है, तो बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और या बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को मेजरमेंट करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। द टर्म दैट अकाउंट फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स इन वंडरवाल अट्रैक्शन फॉर नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस का मतलब ये बात कर रहे हैं रियल गैस की, तो रियल गैस के अंदर आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, आइडियल वंडरवाल गैस इक्वेशन पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस का एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो बी तो किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ, ए और बी क्या वंडरवाल कॉन्स्टेंट है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा कोएफिशिएंट होगा, थर्ड, थर्ड अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन ए फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ SO2। और पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगी, मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट की इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप, कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन गैस की मोल कितने होंगे, NH2 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। SO2 गैस की मोल कितने होंगे, 32 अपॉन 64, तो कितना हो जाएगा, 1/2 मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो आपको हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना, तो PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1, और टोटल मोल क्या हो गया, 1 + 1/2 इनटू टोटल प्रेशर क्या हो गया, पी टोटल। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 2/3 इनटू पी टोटल। तो हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर है वो 2/3 टाइम्स ऑफ किसका है, टोटल प्रेशर का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वर्सेस टी कर्व एट ए कांस्टेंट प्रेशर P1 एंड P2 फॉर एन आइडियल गैस आर शोन इन फिगर, विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप करने के लिए क्या करोगी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखो या उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, इस लाइन पे क्या है, टी कांस्टेंट है, ठीक है कांस्टेंट है, या आप क्या करो इसमें वी कांस्टेंट कर दो, ये क्या है, इस पे V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है,
तो मैं लिख सकता हूं कि P प्रोपोर्शनल क्या हो गया टी, तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, या जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पे टेम्परेचर क्या है टी वन है और इस लाइन पे टेम्परेचर क्या है टी टू है, ठीक है। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा वहां पे क्या होगा प्रेशर ज्यादा होगा। और हाँ, तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा वहां पे प्रेशर ज्यादा, तो इस पॉइंट पे देखो टेम्परेचर ज्यादा तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा और इसका प्रेशर क्या हो जाएगा कम, तो P1 इज लेस देन P2, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोच द बिहेवियर ऑफ आइडल गैस, यानी कोई भी गैस अगर आइडल गैस को फॉलो करना चाहती है तो आइडल गैस की दो कंडीशंस आपको याद रखनी है, एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर स्प्रेड होंगे, और तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो कोई भी गैस अगर आइडियल गैस को फॉलो करना चाहती है तो क्या होगा, फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा होगा, वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा कम होगा, और वॉल्यूम ज्यादा कब होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा इसके अंदर ज्यादा होगा। तो कोई भी गैस अगर आइडियल गैस को फॉलो करना चाहती है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, उसका प्रेशर कम होना चाहिए, उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो इसमें देखो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When pressure of ammonia gas is 1 atm in 4.48 liter flask at 0 degree Celsius, then number of molecules of ammonia gas. तो number of molecules के लिए सबसे पहले आपको number of moles calculate करने हैं। तो number of moles कैसे calculate करोगी? PV is equal to nRT से। तो n बराबर क्या हो जाएगा? PV upon RT। Pressure कितना दे रखा आपको? 1 atm। वॉल्यूम कितना दे रखा है 44.8, आर की वैल्यू आप हमेशा 1/12 पुट करना, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, तो इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो 22.4 टाइम्स जाएगा। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, दो आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स दो आ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2NA। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो जेड है वो आइडियल गैस के लिए क्या होगा 1 होगा, और नॉन आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी नॉट इक्वल टू 1, तो ये किसके लिए होगा आइडियल गैस के लिए होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, ए मोलल सॉल्यूशन इज 1, एक मोलल सॉल्यूशन है जिसकी मोलेलिटी कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो इसकी मोलेलिटी कितनी दे रखी है आपको, मोलेलिटी दे रखी है उसकी 1, यानी इसकी आपको मोलेलिटी कितनी दे रखी है 1 दे रखी, तो मोलेलिटी इज इक्वल टू आप क्या पुट करोगे 1। और जो एक सोल्यूट का एक मोल रखता है, सोल्यूट का एक मोल रखेगा 1 मोल, तो आपको पता मोलेलिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सोलवेंट, तो यहां पे जो सोलवेंट मोलेलिटी के अंदर लेते हैं वो कितना लेते हैं 1 किलोग्राम लेते हैं, 1 किलोग्राम या आप इसको बोल सकते हो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना ग्राम होगा 1000 ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड एज ए सॉल्यूट एंड लिक्विड एज ए सॉल्वेंट, तो आपसे पूछा है कि इसके अंदर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड करेगा, और वेपर प्रेशर सॉल्यूट तो क्या रहता है नॉन वोलेटाइल रहता है, इसमें जो सॉल्यूट है वो तो क्या है सॉलिड है, जो क्या होता है हमेशा नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल,
और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या होता है, लिक्विड होता है, जो क्या होता है वोलेटाइल नेचर का होता है। ये क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है। तो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.186 डिग्री सेल्सियस, केएफ केबी दे रखा है, व्हाट इज द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपको क्या पूछ रखा है, डेल्टा टी भी पूछ रखा है। ठीक है, तो वी नो दैट डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो गया, केबी इंटू मोलेलिटी, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया, केएफ इंटू मोलेलिटी। तो देखो, मोलेलिटी से मोलेलिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, डेल्टा टी एफ आपको कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस का टी एफ अगर एक्वा सॉल्यूशन है, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.186 डिग्री सेल्सियस आएगी। ठीक है, डेल्टा टी बी आपको कैलकुलेट करना, के बी और के एफ की वैल्यू दे रखी है, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो 0.186 इंटू के बी की वैल्यू 0.512 अपॉन के एफ की वैल्यू कितनी देर की है, 1.86। तो इसको सोल्व करोगे तो नीचे कितना आएगा, 10, और इसकी वैल्यू आएगी 0.0512। ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी आ जाएगा। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 एटीएम एट 310 केल्विन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके साथ, आइसोटोनिक है ब्लड के साथ, और ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है वो कितना देर का है, 7.65 एटीएम। कैलकुलेट क्या करना है आपको, डब्ल्यू बाई वी। ठीक है ना, तो W by V क्या होगा ग्लूकोज का, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो W by V, इसका रिलेशन क्या होता है, W by V परसेंट इंटू R इंटू T अपॉन इसका मोलर मास इक्वल टू इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 7.65। R की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 0.0821। टेम्परेचर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 310 केल्विन, और मोलर मास ग्लूकोज का कितना है, 180। तो W by V परसेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7.65 इंटू 180 अपॉन नीचे क्या आएगा, 0.0821 इंटू 310 केल्विन, और ये वैल्यू आएगी 5.41% के अराउंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 83, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, विच सॉल्यूशन विल हैव लीस्ट वेपर प्रेशर, कौन सा विलयन सबसे न्यूनतम वाष्प दाब रखता हो रहा है। तो देखो, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई इंटू इनकी कंसंट्रेशन। तो देखो, कंसंट्रेशन तो सबकी सेम है, यानी जिसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई ज्यादा होगा, इसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट जिसका ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो ये आपको चेक करना है। और वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + n - 1 एल्फा। एल्फा अगर 100% है तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एन के बराबर। एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल आयंस डिसोसिएट फ्रॉम द वन मोल ऑफ कंपाउंड। तो BaCl2 में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 3। यूरिया में कितना होगा, 0। Na2SO4 में कितना होगा, 3। और Na3PO4 में कितना होगा, 4। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डेल्टा पी अपॉन पी नोड उतना ही ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 84, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एथेनॉल एंड मेथेनॉल आर 4.0 mm एंड एट
88.5 mm of G respectively. An ideal solution is formed at the same temperature by mixing 46 gram of ethanol and 84 क्या है. The vapor pressure of ethanol and methanol are 42.0 mm and 88.5 mm of Hg respectively. An ideal solution is formed at the same temperature by mixing 46 gram ethanol with 16 gram ethanol and methanol. The mole fraction of methanol in the vapor phase, यानी कि वाष्प अवस्था में methanol की mole fraction आपको निकालनी है. और mole fraction आप कैसे निकालोगी, तो सबसे पहले आप टोटल प्रेशर निकालो. P total is equal to क्या होता है, P नोड A एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी. और वेपर फेज के अंदर आपको किसका निकालना है, मेथेनॉल का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो सबसे पहले पी टोटल निकालो. तो देखो ए जो कंपोनेंट है वो किसको नाम दे दिया मैंने, एथेनॉल को. और जो बी कंपोनेंट है वो किसको नाम दे दिया मैंने, मेथेनॉल को नाम दे दिया. तो पी नोड ए तो कितना है, 42 इंटू एक्स ए कितना आएगा आपके पास, एक्स ए का मतलब एथेनॉल के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे. तो एथेनॉल का मोल कितना होगा, 46 अपॉन 46 और नीचे क्या आएगा, 46 अपॉन 46 प्लस 16 और मेथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, 32 होता है. ठीक है, प्लस इसका वेपर प्रेशर कितना है, 88.5 इंटू ऊपर किसका मोल फ्रैक्शन पुट करोगे, जिसका आपने वेपर प्रेशर पुट किया, किसका, मेथेनॉल का. और मेथेनॉल का मोलर मास कितना है, 60 अपॉन 32 और नीचे तो सेम ही आएगा, 46 अपॉन 46 प्लस 16 अपॉन 32. अब देखो ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो P टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई 3 बाई 2 यानी कि ये 2 बाई 3 हो जाएगा. तो 42 इंटू 2 बाई 3 प्लस 88.5 इंटू ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बाई 2 और 3 बाई 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसमें कितने टाइम्स गया, लगभग 14 टाइम्स. तो 14 इंटू 2 28, तो P टोटल कितना हो जाएगा, 28 प्लस इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, 26 टू 29.5 टाइम्स जाएगा. तो ये आएगा 57.5 आ जाएगा आपके पास टोटल प्रेशर. और आपको क्या मेथेनॉल का वेपर फेज में आपको कैलकुलेट करना है, तो मेथेनॉल का वेपर फेज में क्या हो जाएगा, वाई मेथेनॉल इज इक्वल टू ये आ जाएगा 88.5 इंटू 1 बाई 3 और इसको अपने सोल्व कर लिया, ये कितना आएगा, 29.5 आएगा, 29.5 और नीचे कितना आएगा, 57.5 के राउंड आएगा. ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करते हैं. तो इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, 0.513. तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. 85 में क्या है, द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि के बी दे रखा आपको, वाटर का कितना दे रखा है, के बी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 0.51. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन, तो इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, बॉइलिंग पॉइंट. तो पहले डेल्टा टी बी कैलकुलेट करो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी. और I NaCl के लिए वोंट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या हो गया, N. और N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आयंस NaCl में क्या होंगे, 2. तो 2. Kb की वैल्यू क्या है, 0.51 और मोलरिटी आपको कितनी दे रखी है, 0.1 दे रखी है. इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट को उठाओगे, इधर भी पॉइंट को उठाओगे तो कितने जीरो आ जाएंगे आपके पास, 3 जीरो आ जाएंगे. और ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 102 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000. तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.102. ये आपके पास डेल्टा टीबी हो गया. और वी नो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, टीबी माइनस का टी नोड बी. टी नोड बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर.
जो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.102 इक्वल टू टी बी माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस, और टी बी कितना हो जाएगा ये इसके अंदर ऐड करोगी तो ये आ जाएगा 100.102 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड शोइंग पॉजिटिव डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स नियम में दरों का कौन सा मिश्रण धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो इसके अंदर धनात्मक विचलन कौन सा प्रदर्शित करेगा, फर्स्ट ऑप्शन एसीटोन प्लस एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटी सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या है, द वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 mm बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज 2.7 द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू क्या होता है 1 + n - 1 α, एल्फा आपसे पूछा है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.74 इक्वल टू क्या हो गया 1 + n नंबर ऑफ आयंस, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, बेरियम प्लस टू NO3 माइनस का 1, तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 3 - 1 α, इसको इधर माइनस करोगे तो 1.74 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 α, और एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.74/2। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 87%, ये आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा आ गया, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 88, द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स, तो देखो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पॉलीमर्स यानी कि जो भी जिन भी स्पीसीज का मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा होती है तो उनको उनका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो उनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से अपन क्या करेंगे सीआरटी, और सी को अपन क्या लिखेंगे डब्ल्यू अपॉन वी इंटू एम इंटू आर इंटू टी, इनसे क्या होगा बेस्ट मोलिकुलर वेट, यानी इसमें कोई एरर नहीं आएगी, बाकी में क्या है डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ डेल्टा पी, तो उसमें क्या होती है एरर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में प्रति हिमकारी पदार्थ के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, क्योंकि एंटी फ्रीज का मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है डाउन करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेगा डाउन करेगा, उसके लिए आप क्या यूज करोगे एथिल एल्कोहल यूज करोगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शंस, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें आप क्या कहोगे आइडियल सॉल्यूशन, और उसके अंदर जो कोलिगेट मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स है डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप सोल्यूट को सोलेंट में मिक्स करते हो तो एंट्रोपी क्या होती है बढ़ती, और डेल्टा जी क्या होगा डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस का टी डेल्टा एस मिक्सिंग, तो ये तो क्या हो गया जीरो हो गया, तो डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा टेम्परेचर क्या होगा पॉजिटिव, तो माइनस डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है पॉजिटिव, तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा नेगेटिव होगा, तो कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प सही है फर्स्ट, और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा जीरो होगा इसके अंदर, ठीक है। तो काफी एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, काफी सिंपल पेपर था, स्कोरिंग पेपर था, ठीक है, ऑल द बेस्ट जेएससीएलसी।